राजस्थान में 1000 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ रविवार को हुआ। बाड़मेर के विशाला गांव में रविवार को जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित व विधायक मेवाराम जैन ने इंदिरा रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। यहां पर अब ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन का लाभ मिलेगा। राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए दिन नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश के टोंक में आयोजित कार्यक्रम में एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में 1000 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ करने पहुंची। प्रदेश भर में रविवार को 400 ग्रामीण रसोइयों का सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं 25 सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 1000 रसोइयों की होगी। इन 1000 इंदिरा रसोई में से बाड़मेर के विशाला ग्रामीण क्षेत्र में एक इंदिरा रसोई मिली। विशाला ग्रामीण क्षेत्र में रविवार को इंदिरा ग्रामीण रसोई का शुभारंभ हुआ। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन व जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा फीता काटकर विशाला में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की योजना के तहत 8 रुपए में सभी को भरपेट भोजन का लाभ मिल सकेगा और ये योजना गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो पाएगी। इस दौरान आयोजित हुए समारोह को कई अतिथियों ने संबोधित किया। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में पहले से 6 इंदिरा रसोई चल रही हैं, जहां 8 रुपए में जरूरतमंद लोग अपनी भूख को मिटा रहे हैं। वहीं अब यह सुविधा बाड़मेर ग्रामीण के लोगों को भी मिल जाएगी। रविवार को राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन एवं जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित द्वारा फीता काटकर विशाला में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ खाने की गुणवत्ता को जांचने के लिए कलेक्टर और विधायक दोनों ने 8 रुपए में थाली खरीदकर इंदिरा रसोई के खाने का स्वाद चखा। जिला कलेक्टर ने विधायक ने स्वयं का टोकन कटवाकर भोजन किया। इस दौरान विशाला की पहली इंदिरा रसोई के उद्घाटन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रही।